दर्शकों इस वक्त हमारे समक्ष है आदित्य नेत्रालय के डायरेक्टर डॉक्टर हेमंत छाबरानी, जो कि आप एक आई स्पेशलिस्ट हो। सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी जो रेनी सीजन में जो वायरल फ्लू जो चल रहा है आंखों का, कंजक्टिवाइटिस या पिंक आई जिसे कहते हैं, इसका स्प्रेड काफी हो रहा है, तो आप ये बताइए ये संक्रमण आया कहाँ से और किस तरह से ये फैल रहा है, उस बारे में थोड़ा बताइए। ये एक्चुअली इसको कहा जाता है एपिडेमिक, एपिडेमिक कंजंक्टिवाइटिस, एक्यूट वायरल कंजंक्टिवाइटिस। क्योंकि एपिडेमिक यानी ये एक गांव में नहीं रहेगा, एक गांव से दूसरे गांव जाएगा, तीसरे गांव जाएगा, और एक शहर में सीमित नहीं रहेगा, शहर से शहर जाएगा। इस बार क्या है, चक्रवात आने से पूरे का पूरा विश्व में इसका भ्रमण हुआ, क्योंकि वो कुदरत हटाना चाहती है, नेचर पूरा धुलाई करना चाहती है कि जो भी वायरस है एंडेमिक फॉर्म में रहते हैं, पॉकेट्स में रहते हैं। जैसे एक महीना पहले आया छोटा सा माइल्ड आकर के निकल गया, फिर जब चक्रवात आया तो इतना भयानक तूफान आया, अब आपको पता है बहुत बर्बादी कर सकता था वो। साउथ कोस्ट में आया, अपने हिंद महासागर में आया, तो पूरा साउथ सी अपना इंडिया का साउथ माना जाएगा हिंद महासागर, तो उसमें चेन्नई आ गया, आंध्र प्रदेश आ गया, इधर से बॉम्बे आ गया वेस्ट में, उसके बाद में दीव दमन और गुजरात तक के आ गया पहला, और नॉर्थ में सब नदियों में ओवरफ्लो हुआ, बांध तो नहीं टूटे पर यू नो रस्तों का, तो ये जो था पूरा हलचल मच गई। कुदरत में हलचल मचते रहती है, क्योंकि उसके बिना ये सफाई नहीं होगी और कुछ होगा नहीं, तो उस वजह से जो वायरस बैठे रहते चुपचाप छिपे हुए बैठे रहते हैं, एंडेमिक फॉर्म में रहते हैं, छोटे लो डोज में इधर उधर रहते हैं, किसी न किसी एक अजेंडा में रहते हैं, और वो मौसम देख करके फिर वो चालू हो जाते हैं। जैसे कि आपने बताया है कि ये जो आई फ्लू जो एक महामारी का रूप ले रहा है, तो आप क्या बताइए शुरुआती इसके लक्षण क्या है, क्या सिम्टम्स पाए जाते पेशेंट को? सिम्टम्स में पेशेंट पहले लाइट की तरफ देखेगा तो लाइट उसको सहन नहीं होगी, फोटोफोबिया बोलते हैं उसको, नेचुरल लाइट या अननेचुरल लाइट जो भी है, कुदरती लाइट में जाएगा बाहर तो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा, और टॉर्च लाइट या समझो अपन उसको डालेंगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। दूसरा पानी जाएगा आंखों से, वाटरिंग जाएगा, डिस्चार्ज नहीं, चिपड़ी नहीं, डिस्चार्ज सिंपल डिस्चार्ज जाएगा या लैक्रिमेशन जाएगा, डिस्चार्ज बाद में दो तीन दिन के इन्फेक्शन के बाद में सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं मतलब सेकेंडरी बैक्टीरियल, ये वायरस है, ये सिंगल कण का बना होता है, जैसे बैक्टीरिया में और अपन बड़े जीवों के अंदर दो कण रहते हैं, एक आरएनए कहा जाता है और एक डीएनए कहा जाता है, दोनों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग उसकी चेन्स बनती है, उसके हिसाब से उस पूरे इसका वर्गीकरण किया गया है जेनेटिक्स के हिसाब से। तो ये आरएनए वायरस है, एक ही कण से बना रहता है आरएनए वायरस। इसका नाम मैं आपको बताता हूँ, इस वायरस का जो पूरा नाम है मैं आपको बताता हूँ, इस वायरस का नाम है, तो सबसे पहले घाना में अफ्रीका देश में 1969 में रखा गया था, उसको ढूंढा गया था, उसमें उसका नाम रखा गया था बाइकोरोना वायरस। बाइको मीन्स छोटा, है ना, तो उसका दूसरा नाम है इंटेरो वायरस, जो इन्होंने टाइपिंग किया है कि इस वायरस का नाम क्या है, उसका फुल नेम क्या है, जैसे अलग अलग वायरसेस का नाम दिया जाता है, तो वैसे इन्होंने इसका नाम रखा था इंटेरो वायरस टाइप 70। और ये वायरस जो है आरएनए, मैंने आपको बताया एक ही कण से बनता है, कोई वायरस डीएनए के रहते हैं, कोई वायरस आरएनए के रहते हैं, तो ये आरएनए वायरस की फैमिली का है और इसका नाम है इंटेरो वायरस टाइप 70 है, और बहुत छोटे स्मॉल साइज का एकदम, इसलिए इसका नाम पाइको बोलता है कि एकदम छोटा, दिखता नहीं हो, नेकेड आई से दिखेगा नहीं, सिर्फ उसका जो डैमेज करता हो वो अपने को दिखेगा ग्रॉस में क्लिनिकली, जब आँख को अफेक्ट करेगा तो अपने को आँख में पानी आएगा, छपरों के ऊपर सूजन आएगी और लाली आएगी, और ख़ासकर नीचे की जो झिल्ली है फॉर्मिक्स कहा जाता है उसको, वो फॉर्मिशियल एरिया में बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, और बल्बर कंजंक्टिवा में ऊपर पार्ट में बल्बर कंजंक्टिवा है जो आँख को कवर करती है, इसको बल्बर कंजंक्टिवा कहा जाता है, वहाँ पे इन्फेक्शन मैक्सिमम हो रहा है, और छप्पर नीचे देखना बोलना है पेशेंट को, और ऊपर का छप्पर उठा के लिड को उठा के
आप जब देखेंगे तो पूरा हेमरेजिस भरे हुए देखेंगे। जैसे मैंने आपको फोटो दिया है तो वो आप उसको जोड़ सकते हैं उसके अंदर, जो मैं अभी फोटोग्राफ लिया अपन लोगों ने तो दैट इज कॉल्ड एज पेटीचियल हेमरेज। छोटे छोटे हेमरेज है तो उसको पेटीचियल बोलते हैं, छोटे छोटे दाने के रूप में दिखेगा उसको पेटीचियल हेमरेज बोलते हैं। और वही जब बहुत बड़े रूप में आते हैं तो नीचे में पेटीचियल दिख सकते हैं और ऊपर में पेटीचियल हो गए आपस में जुड़ जाते हैं, उसको ब्लॉच बोलते हैं। ब्लॉच बड़े धब्बे के समान, जैसे ब्लॉट पेपर रहता है ना ऐसा, तो ब्लॉटिंग हेमरेजेस भी बोलेंगे, ब्लॉट ब्लॉच कहा जाता है एक्चुअली, और ब्लॉट हेमरेजेस भी कहा जाता है। सर जो लोग फ्लू से ग्रसित है, आई फ्लू से जो ग्रसित है, उन लोगों ने किस तरह की सावधानियां रखना चाहिए, किस तरह से वो प्रिवेंशन करना चाहिए? उनको सबसे पहले प्रिवेंशन ये है कि जिस फैमिली में भी हो रहा है तो बाकी सदस्य थोड़ा दूरी मेंटेन करें, उनका रुमाल टॉवल अलग रखें, बच्चों को जो दवाई डॉक्टर साहब ने बोली है जिस भी डॉक्टर के यहाँ गए हैं तो उसको ड्रॉप्स बराबर डालने के पहले हाथ धो के जाएंगे, और ड्रॉप जैसे ही डाला उसके जो सिक्रीशन है उनके हाथ पे लग सकते हैं, ड्रॉपर के ऊपर लग सकते हैं, या बॉटल जो अपन ने डाली है उसके ऊपर लग सकते हैं, तो वो जाके तुरंत हाथ धो डालें। तो इसकी लाइफ बहुत छोटी है और ये स्टार्ट होता है एक या दो दिन में, इसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। सिर्फ एक दिन के अंदर वो चार घंटे में, दो घंटे में शुरू हो जाता है। जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं अभी समझो 5 बज रहे हैं, तो हो सकता है 6 बजे आपको पांडे साहब को खान साहब को मेरे को किसको भी 6 बजे तक की शुरू हो सकता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड बहुत शॉर्ट है इसका, एक या दो दिन के अंदर, एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर, लेस देन 24 आवर्स, 12 आवर्स, 6 आवर्स के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि हवा में है। इसका भी ये पूरा रहता है इम्यूनिटी के ऊपर और कितने बार हो चुका है उसके ऊपर है। पहले जैसे 84 वाले जो लोग हैं और हमारी एज में पहुँचे तो उनको इतना नहीं आएगा, क्योंकि वो 2-3 बार 4 बार झेल चुके हैं उसको एक्यूट वायरल कंजंक्टिवाइटिस, तो लोकल इम्यूनिटी आ जाती है, इस वजह से इतना जल्दी नहीं होता। पर फिर भी अगर ये वायरस डायरेक्टली इफेक्ट हुआ तो फिर वो अपना काम करेगा। बच्चों में कॉमन नहीं है क्योंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, इम्यूनिटी अच्छी रहती है, पर फिर भी 5 से 6 साल से लेके 40 साल वाले इस बार अफेक्ट हो रहे हैं इस एपिडेमिक में, विद एक्यूट कंजंक्टिवाइटिस। केराटाइटिस भी हो रहा है, थोड़ा सा कॉर्निया में भी आ रहा है, पर माइल्ड है बहुत। सर जिन्हें हो जाता है आई फ्लू, जिनको कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, तो काफी लोगों में संभ्रम रहता है इंटरनेशनल रूल अपने बिल्कुल फॉलो हो रहा है स्ट्रिक्टली। कोई भी बोलेगा मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ और ये थोड़ा बता दीजिए तो उसको बोलेंगे सॉरी, तुम आकर के बताओ। प्रिवेंशन कुछ है ही नहीं क्योंकि हवा में ही है वो, डायरेक्ट सब हवा में फैला हुआ है, तो प्रिवेंशन कुछ नहीं कर सकते। जो मैंने बताया कि डायरेक्ट कांटेक्ट तब होगा जब आप उसको लेंगे किसी का सिक्रीशन, जैसे मैंने क्लीन किया, मैंने यहाँ की सिस्टर ने क्लीन किया, कोई पानी आ रहा था उसको उसने हाथ लगाया, तो तुरंत जाके वो जो कॉटन में लिया, पैड में लिया, उसको तुरंत जाके चलाने का है, उसको डिस्ट्रॉय करने का, और हाथों को जाके अपने धोना है, और ड्रॉप डालने के बाद फिर से जाके हाथ धोना है नई बॉटल खोलने के बाद भी, क्योंकि कहीं पे भी सोर्स उसका जो है चिपक गया एक बार तो फट से अपने को एकदम अचानक ही अटैक करेगा और शुरू कर देगा, 2 घंटे में अपने को वायरल चालू हो जाएगा। तो ये केयर लेना है। शहर विदर्भ के दर्शक डॉक्टर हेमंत खबरानी सर आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपके क्लिनिक का फोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के भी डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं, क्लिनिक में आके आपकी सेवा भी ले सकते हैं। तो छाबरानी सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि जो आई फ्लू का जो इफेक्ट है काफी बढ़ रहा है, थोड़ी एपिडेमिक का स्वरूप ले रहा है, तो आप ये बताइए किस तरह से उससे दूर रहे और किस तरह से बचाव। एक बार अटैक आया तो 7 दिन चलेगा, दवाई के साथ सेल्फ लिमिटिंग है, पर आदमी को तकलीफ बहुत होती है तो इसलिए वो डॉक्टर के पास आता है, प्रिस्क्रिप्शन पूछता है और समय भी देता है, हम भी समय देते हैं, मेहनत करते हैं उसके पीछे। तो नेचुरली अगर जिस भी डॉक्टर के पास ज़्यादा भीड़ है हो तो क्लिनिक ही बंद करके घर को जाके बैठ रहे हैं कि कौन फेस करेगा ये सब,
ज़्यादा से ज़्यादा हर डॉक्टर ने 5 से 10 पेशेंट देखना चाहिए, उसके ऊपर देखना ठीक नहीं है, क्योंकि बाकी सभी डॉक्टर्स हैं नागपुर में, विदर्भ में कम से कम 1200 डॉक्टर्स हैं आँखों के, तो सबके पास जा रहे। प्लस मेयो हॉस्पिटल है अपनी, IGMC इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर बहुत भीड़ ऑलरेडी है। उसके बाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, बड़ा कॉलेज जो बोलते हैं अपन, उसके बाद में डागा हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट है, बाकी बहुत सारे चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, हर डॉक्टर के पास आ रहे हैं। पर रोड पे ऐसा हैवॉक नहीं है कि रोड पे जा रहे हैं तो रोड ही बंद हो गए, जैसा अपने इसके समय हुआ था कोविड के टाइम पे हुआ था, पूरे रोड ही बंद कर दिए थे, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ था। कर्फ्यू वाली बात नहीं, कर्फ्यू सिर्फ घर में लगाना है कि एक रूम में दूसरे रूम में घुसना नहीं है, जिसको है तो उसको रहने दो, खाना पीने से कुछ नहीं होता, खाना पीना वो खा सकता है आराम से, तो हो सके तो हाई शुगर वाले कंटेंट वाले कम लेगा तो उतना अच्छे सेफ है, उतना ज़्यादा सेफ है वो। तो डायबिटिक वालों को प्रॉब्लम रहेगा, कंट्रोल वाला है उसको प्रॉब्लम रहेगा, तो उसने बाकी जो डाइटिशियन एडवाइस करते हैं या डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट वाले डॉक्टर ने उनको एडवाइस किया है कि भी ये गोलियाँ इंसुलिन ये वो जो भी ले रहे हैं आप, एक ओरल बोला कहा जाता है, एक इंसुलिन डिपेंडेंट बोला जाता है, एक आयुर्वेदिक वाले भी देते हैं, कुछ एलोपैथी में भी अवेलेबल है, कुछ होम्योपैथी में भी अवेलेबल है, हर पैथी में है ये अवेलेबल चीज़ें, तो जिसको जिस पैथी में अच्छा लगता है वो ट्रीटमेंट लेते रहता है जनरल। पर इसमें अपने को आयुर्वेदिक में एक बात मैं सिर्फ जोड़ना चाह रहा हूँ कि तुलसी का पत्ता इसमें भी दिया गया है कि तुलसी के पत्ते भी अपने को मदद करते हैं, खाएँ 2-4 पत्ते तोड़ के, सिर्फ कई लोग इतवार को नहीं तोड़ते, गुरुवार को नहीं तोड़ते, तो भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। पर लोकल ड्रॉप्स चाहिए, उसका तुलसी का रस भी कहा जाता है क्योंकि कुछ असर करेगा, मेरे को पर्सनल अनुभव नहीं है, पर तुलसी के पत्ते मैं खाता हूँ और सबको एडवाइस करता हूँ कि तुलसी के पत्ते कम से कम दो, खाओ मत और चबाओ भी मत, वो पूरे का पूरा सहगा निकलना चाहिए ताकि उसका पूरा जो ऑक्सीजन इफेक्ट है वो अपने को मिले और ऊपर से थोड़ा पानी पी लेंगे। जो दूर दराज के दर्शक आपको देख रहे हैं, यदि वे आदित्य नेत्रालय में आके अपना इलाज करवाते कंजक्टिविटीज का, तो किस तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पे अवेलेबल है? लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यही है कि आपको सिम्टम के हिसाब से चलना है। जैसे अभी एक डॉक्टर आई मेरे पास, नाम नहीं लेता मैं उसका, वो पीडियाट्रिशियन है, और आई तो तुरंत आई, कल ही मेरे को फ़ोन की सर चालू हो गया क्या करूँ, बोला तू डॉक्टर है तू एंटीबायोटिक ले ले ताकि सेकेंड इन्फेक्शन नहीं हो, और एक डेक्सामेथासोन करके ड्रॉप आती है, वो डेक्सामेथासोन के साथ कॉम्बिनेशन में तू ले सकती है, तो उसने ओफ्लॉक्स के साथ कॉम्बिनेशन में ली है अपने से, क्योंकि शीज है डॉक्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज मेरे पास आई तो बोले सर ऑलमोस्ट मेरे को 50% रिलीफ है, पर बोला आओ तुम, क्योंकि उसका अपन ने हम लोगों ने करीब 2 महीने पहले लेसिक भी किया, तो उसको बड़ी चिंता थी कि कॉर्निया पे तो खराबी नहीं आएगी, मतलब कॉर्निया पे नहीं हो रहा है, इसलिए उस यार सेवा ही अच्छे से बातचीत की, और आप लोग आए उसके करीब 5 मिनट पहले वो निकल के गए। फिर जो दूसरे पेशेंट आपने देखे, इनकी आँखें सूजी हुई है, किसी को हेमरेजेज है लेफ्ट में बहुत ज़्यादा है, राइट में कम है, तो इधर फ्रिक्वेंसी 4 से 5 बार देंगे ड्रॉप्स, और जिसमें कम है उसमें 3 से 4 बार डालेंगे, और ईमानदारी से आपको बंद रखना है, ऐसा नहीं कि ड्रॉप डाला अपन फ्री हो गए मोकड़े हो गए, ऐसा नहीं करने का। ड्रॉप डालने के बाद बिल्कुल मेटिकुलसली उसको फॉलो करना है, पेशेंट हैज़ टू क्लोज द आई फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, तब उसका इफेक्ट भी आएगा, क्योंकि तो इसके सिक्रीशंस नाक से होके गले में भी जा रहे हैं, तो कहीं को फेरेंजाइटिस भी हो रहा है, थोड़ा नेजल भी राइनाइटिस भी हो रहा है, कई लोगों को प्री ऑरिकुलर लिम्फ ग्लैंड बोलते हैं, जो अपन आंकुड़ बोलते हैं, ये लिम्फ ग्लैंड यहाँ पर रहेगी प्री ऑरिकुलर, तो वहाँ तक के वो स्प्रेड करता है, क्योंकि उसका ड्रेनेज यहाँ पर है, अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन आते हुए या इवन वायरसेस भी है तो वो थोड़ा सा स्ट्रीम बना के लिम्फेटिक्स के थ्रू यहाँ तक आता है, तो उसको प्री ऑरिकुलर लिम्फ ग्लैंड बोला जाता है। तो ये पाल्पेबल है, टेंडर है, तो समझना कि थोड़ा सा डर ज़्यादा है, उसको एंटीबायोटिक अपन ओरल भी दे सकते हैं, और विटामिन सी भरपूर देंगे, या आंवले के टुकड़े खा सकते हैं पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आंवले के पीसेस भी अगर 2-3 खाया चलेगा, या रेडीमेड विटामिन सी लिम्प सी है, चूसी है, बहुत से अलग अलग नाम से विटामिन सी आता है, जिंक वाला लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जैसा जिंक उस समय बहुत बोला था कोविड के टाइम में विटामिन सी लो और जिंक, इसमें जिंक की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है, और आराम से चला जाता है, सिर्फ केयर करना है और थोड़ा फैलने नहीं देना। एक पेशेंट 6 दिन के बाद आया, तो उसका भी मैं आपको पिक्चर दे सकता हूँ, उसको लिड तक के तो लिड का अंदर की साइज है पाल्पेबल कंजंक्टिवा बोलते हैं, वहाँ पे भी डैमेज था, उतना मैंने सीखे पहले बार देखा, एक अच्छी फैमिली है यहाँ की, विलियम फैमिली है,
दोनों हस्बैंड वाइफ अकेले रहते हैं तो मिसेज लानी पे, क्योंकि वो अकेली घर संभाल रही थी, अकेले काका जी आएंगे, देखता हूँ एक लोकल जो आजू बाजू फार्मासिस्ट था उससे बेचारी ने ड्रॉप लेके दी उसको, पर कोई फायदा नहीं हुआ। 5-6 दिन निकल गए, उसको सिकंड इन्फेक्शन भी था, डिस्चार्ज था। हमने क्लीनिंग किया उसका पूरा, सफाई बोला उसको रखो, और एंटीबायोटिक के साथ डेक्सामेथासोन, प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप नहीं डालना है, ये मैं क्लियर कट बता देता हूँ। प्रेडनिसोलोन आई ड्रॉप्स आर वेरी डेंजरस फॉर सच सिचुएशन। वो हेल्प करेगा पहले, बाद में स्प्रेड करेगा, जैसे इसमें था इंजेक्शन लगा देते हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन का, या डोजेस देते थे भाई टेपरिंग डोजेस 60 मिलीग्राम लीजिए, 80 मिलीग्राम लीजिए कोविड के अंदर, तो बाद में फिर फंगल का रूप लेके आया, तो ऐसा नहीं करने का, ज़्यादा लंबा भी नहीं चलने देना, नहीं तो फिर फंगस आके पकड़ेगा।